हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्यूटीमीनियस कंक्रीट के ऊपर और ब्यूटीमीनियस कंक्रीट को शॉर्ट फॉर्म में बी भी बोला जाता है तो इसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे इसमें जो भी मोर्थ के स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना रहता है वो सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियोस को चैनल के बारे में बताएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि ब्यूटीमीनियस कंक्रीट है दिस वर्क एल कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इन सिंगल लेयर Of bituminous concrete on previously prepared bituminous course to the required thickness in accordance with clause 509 of morth clause and contract drawing. इसमें ये बोला जा रहा है कि ये लेयर जो होता है बी का जो लेयर होता है ये सिंगल लेयर में किया जाता है और प्रीवियसली प्रीपेड ब्यूटीमीनियस कोर्स में जो डी अपन ले किए रहते हैं उसी के ऊपर इसको लेंग किया जाता है इसका और जो थिकनेस अपने को चाहिए उस थिकनेस में इसको अपन लिंक करते हैं और ये क्लॉज के और ये मोर्थ के क्लॉज नंबर 509 के रिस्पेक्ट में इसको कंस्ट्रक्शन करना रहता है और जो अपने कंट्रैक्ट के ड्राॅइंग्स है उसके रिस्पेक्ट में करना रहता है ठीक है तो इसमें मटेरियल के ऊपर बात करते हैं एज पर क्लॉज फाइव ऑफ मोर्थ द मटेरियल टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटीमिनियस कंक्रीट सेल बी सेटिसफाइंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स तो जो ब्यूटमिनियस कंक्रीट के लिए जो अपने को क्राइटेरिया दिया गया है तो वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए अपना मटेरियल तो वो सारे नीचे में लिखा हुआ है और इसको हम बताते हैं पेविंग ब्यूटीमिन ऑफ पेनीट्रेशन ग्रेड वी जी थर्टी वी जी फोर्टी सेल बी यूज जनरली एंड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉस फाइव हंड्रेड सेवन पॉइंट टू पॉइंट वन ऑफ मोर्थ इसमें जो अपन ब्यूटी पेविंग ब्यूटीमीन जो यूज करेंगे वो पेनीट्रेशन ग्रेड वी जी थर्टी या वी जी फोर्टी का रहना चाहिए ठीक है और ये जो क्लॉज नंबर 507.2.1 मोर्थ में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंगस रहना चाहिए उसके बाद जो कोर्स एग्रीगेट सेल बी ऑफ क्लीन स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल क्यूबिकल सेप एंड फ्री फ्रॉम अदर डिलीटरियस मैटर एंड एडरेंट कोटिंग एज पर क्लॉज फाइव हंड्रेड इसमें यह बोला जा रहा है कि जो भी हम एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट जो यूज़ करेंगे वो अपना सफाई रहना चाहिए उसमें कोई भी गंदगी नहीं रहना चाहिए क्लीन स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत ड्यूरेबल टिकाऊ क्यूबिकल सेप का रहना चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं रहना चाहिए और एडरेंट कोटिंग मीन्स जो उसमें जो कोट मीन्स ब्यूटीमिन का जो कोटिंग करते हैं वो उसमें चिपकना चाहिए मीन्स उसको एडेर करना चाहिए मीन्स उससे अलग नहीं रहना चाहिए ठीक है उसके बाद जो है लॉस एंजलिस एवरेशन वैल्यू सेल नॉट बी मोर दैन थर्टी परसेंट और जो एग्रीगेट हम यूज करेंगे उसका लॉस एंजलिस एवरेशन वैल्यू जो है वो थर्टी परसेंट से ज्यादा नहीं रहना चाहिए वन टेस्टेड एज पर आई एस टू थ्री एट सिक्स पार्ट फोर ठीक है उसके बाद एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो ए आई वी होता है उस वो रहना चाहिए अपना ट्वेंटी फोर परसेंट से कम सेल नॉट बी मोर दैन ट्वेंटी फोर परसेंट ओके उसके बाद फ्लैकनेस एंड डिलोंगेशन इंडेक्स जो होता है सेल नॉट बी मोर देन थर्टी फाइव परसेंट उसके बाद स्ट्रीपिंग वैल्यू ब्यूटीमिन एग्रीगेट मिक्सचर सेल बी ऑफ मिनिमम रिटेनिंग मिनिमम रिटर्न कोटिंग 95% फाइव परसेंट वन टेस्टेड एज पर आई एस सिक्स टू फोर वन उसके बाद वाटर एबजॉपन ऑफ द एग्रीगेट सेल नॉट बी मोर देन टू परसेंट जो वाटर का जो एग्रीगेट का वाटर एबजॉपन रहता है वो टू परसेंट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए उसके बाद प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द फिलर सेल नॉट बी ग्रेटर देन फोर और इसमें भी फिलर यूज़ होता है और उस फिलर का प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है चार से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए सैंड इक्वलेंट वैल्यू ऑफ फाइन एग्रीगेट सेल नॉट बी लेस देन फिफ्टी वेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आई एस टू टू सेवन टू जीरो पार्ट थर्टी सेवन उसके बाद द स्ट्रॉग पॉलिसिंग वैल्यू ऑफ़ द स्ट्रॉन्ग पॉलिशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सेल नॉट भी लेस दैन फिफ्टी फाइव और जो स्ट्रॉन्ग पॉलिशिंग वैल्यू होता है एग्रीगेट का वो फिफ्टी फाइव से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए उसके बाद द फीलर सेल भी सेटिसफाइड एज पर मोर्थ स्पेसिफिकेशन और जो फीलर यूज़ होता है वो अकॉर्डिंग टू मोर्थ ही यूज़ होना चाहिए और उसके बाद एग्रीगेट ग्रेडेशन सेल भी सेटिसफाइंग एज पर मोर्थ टेबल नंबर फाइव हंड्रेड सेवनटीन जो अपना टेबल नंबर 500/17 सेवनटीन है उसी के रिस्पेक्ट में जो ग्रेडेशन रहना चाहिए बी का वो रहना चाहिए वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक है उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्यूटीमिनियस कंक्रीट अब ब्यूटीमिनियस कंक्रीट का कंपोजिशन देखते हैं जैसे कि इससे पहले हम डी में आपको बताए हैं कि दो ग्रेडिंग के होते हैं वैसे ही अपना बी भी दो ग्रेडिंग का होता है एक ग्रेडिंग वन और दूसरा ग्रेडिंग टू तो ग्रेडिंग वन और ग्रेडिंग टू का डिफरेंस क्या है तो सबसे पहला जो है एग्रीगेट का जो साइज़ है उसमें डिफरेंस होता है तो इसमें नॉमिनल एग्रीगेट साइज़ जो है ग्रेडिंग वन के लिए नाइन्टीन एम अपन यूज़ करते हैं और नॉमिनल एग्रीगेट साइज़ जो है ग्रेडिंग टू के लिए थर्टीन पॉइंट टू एम यूज़ करते हैं और जो ग्रेडिंग वन होता है उसको अपन लेंग करेंगे तो फिफ्टी एम एम तक का जो अगर थिकनेस अपने को देना है तो उसके लिए अपन ग्रेडिंग वन बी सी मटेरियल यूज़ करेंगे अगर अपने को थर्टी टू फोर्टी एम के बीच में अगर ग्रेड बी सी का लेयर लेंग करना है तो उसमें अपने को आ, ग्रेडिंग टू यूज़ करना है ठीक है उसके बाद जो इसका ग्रेडेशन चार्ट है वो दिया गया है ना ग्रेडिंग वन के लिए 26.5 सिक्स पॉइंट से 100 परसेंट पासिंग मटेरियल रहना चाहिए 19 एम mm से 92 टू 100 परसेंट पासिंग रहना चाहिए 13.2 से 59 नाइन टू सेवेंटी परसेंट पासिंग रहना चाहिए 9.5 पॉइंट फाइव से 52 टू टू सेवेंटी टू एम एम परसेंट पास रहना चाहिए 4.75 से 35 टू फिफ्टी फाइव परसेंट पासिंग रहना चाहिए टू पॉइंट थ्री सिक्स से ट्वेंटी एट टू फोर्टी फोर परसेंट तक का पासिंग रहना चाहिए 1.18 से 22 34 परसेंट पासिंग रहना चाहिए 0.6 पॉइंट सिक्स सिक्स माइक्रोन से 15 टू 27 परसेंट पासिंग रहना चाहिए 300 माइक्रोन से 10 टू 20 परसेंट पासिंग रहना चाहिए 150 हंड्रेड माइक्रोन से 5 टू 13 पास रहना चाहिए 0.075 पॉइंट mm से टू टू एट परसेंट का पासिंग रहने ऐसे ही ग्रेडिंग टू के लिए भी है यहाँ पे चार्ट में दिया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं और इसमें मेन आता है ब्यूटीमीनियस का ब्यूटीमीन का कंटेंट कितना रहना चाहिए तो ग्रेडिंग वन के लिए फाइव पॉइंट टू परसेंट रहना चाहिए जो टोटल एग्रीगेट के वेट होंगे कंस्टिट्यूएंट के वेट होंगे उनके उसके फाइव पॉइंट टू परसेंट अपना ब्यूटीमीन रहना ही चाहिए ग्रेडिंग वन के लिए और ग्रेडिंग टू के लिए फ़ाइव पॉइंट फोर फोर परसेंट रहना चाहिए ठीक है तो ये ग्रेडिंग वन और ग्रेडिंग टू क्लियर हो गया होगा अब आगे देखते हैं जो इसका प्रॉपर्टीज ऑफ बी सी मटेरियल बी सी मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं ब्यूटीमिन कंक्रीट सेल बी कैरीड आउट एज पर मोर्थ क्लॉज फाइव हंड्रेड सेवन फाइव हंड्रेड सेवन के रिस्पेक्ट में इसको काम करवाना रहता है उसके एग्रीगेट फॉर ब्यूटीमिन कंक्रीट सेल कन्फर्म द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन टेबल फाइव हंड्रेड पॉइंट वन सिक्स ऑफ मोर्थ ठीक है वहाँ से आप इसका जो भी स्पेसिफिकेशन है देख सकते हैं उसके बाद ब्यूटीमिन का बात करेंगे तो विस्कोसिटी ग्रेड पेविंग ब्यूटीमिन कंफर्मिंग टू आई तो 73 सेवेंटी थ्री टू थाउजेंड सिक्स द ग्रेड सेल बी यूज्ड एज पर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन ठीक है अ मिक्स ऑफ क्रस्ट स्टोन एंड एग्रीगेट सेल बी सो प्रोपोर्शनड सो एज टू अचीव द ग्रेडिंग स्पेसिफाइड एज पर मोर टेबल फाइव हंड्रेड पॉइंट सेवेंटीन ऑफ ग्रेडिंग टू इसमें यह बोला जा रहा है कि अपन को ऐसे मिलाना रहता है मटेरियल को कि जो अपने को ग्रेडिंग अभी ऊपर बताए थे आपको जिस सीप से जितना परसेंट अपने को चाहिए है उतना उतना परसेंट ही आना चाहिए इस हिसाब से प्रोपोशनिंग करना रहता है मटेरियल का कोर्स एग्रीगेट का ठीक है उसके बाद द प्रोपोशनिंग सेल भी डन बाई डिटरमाइनिंग द इंडिविजुअल ग्रेडियंट ऑफ सॉरी इंडिविजुअल ग्रेडिएशन ऑफ द इंडिविजुअल इंग्रीडियंट्स एंड द ब्लेंड डिटरमिन डिटरमाइंड बाई ट्रायल एंड डिर मेथड सो एज टू अचीव द ग्रेडेशन स्पेसिफाइड ब्यूटीमिन कंक्रीट सेल बी कंस्ट्रक्टेड एज पर मोर द स्पेसिफिक इन क्लॉज फाइव हंड्रेड सेवन ठीक है इसमें ये बोला जा रहा है कि जो ग्रेडेशन अपने को एक्वायर करना है मीन्स अपने को जो अचीव करना है उसके लिए अपन क्या करेंगे डिफरेंट एक पर्टिकुलर साइज़ के एग्रीट का पहले ग्रेडेशन कर लेंगे उसके बाद सभी सभी अलग अलग साइज uh, के एग्रीट्स के जो रहेंगे उसका ग्रेडेशन कर लेंगे और उसके बाद ट्रायल एंड इरर uh, मेथड के हेल्प से उसको ब्लेंड करेंगे और ताकि अपन जो ग्रेडेशन uh, अचीव करना है बीसी मटेरियल के लिए वो uh, उसको अचीव uh, कर पाए ठीक है और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है और ब्यूटीमिन uh, कंक्रीट का उसको मोर्थ के क्लॉज 507 के रिस्पेक्ट में करना रहता है वीए वीए में वी ए बी स्टेबिलिटी एंड फ्लो सेल बी डिटरमाइंड फॉर द मटेरियल सो ब्लेंडेड एज़ पर एम एस टू सिक्स एडिशन ठीक है और ये जो वी ए वी एम ए और वी वी इस्टेबिलिटी एंड फ्लो टेस्ट ये सारे जो होते हैं ये वी ए का जो है ये अपना एयर वॉइड्स क्या टेस्टिंग करना रहता है उसके बाद वी एम ए जो है वो है कि अपना वॉइड्स इन मटेरियल मिनरल एग्रीगेट रहता है ठीक है जो अपना एग्रीगेट यूज़ करेंगे उसका वॉइड्स देखने के लिए वी एम ए है ना उसके बाद वी ए बी जो है उसके बाद वॉइड फिल्ड विथ ब्यूटीमिन और जो वॉइड्स उसमें है उसमें से कितने परसेंट वॉइड्स फील हुए हैं ब्यूटीमिन के हेल्प से ये सारे टेस्ट करना रहता है अपने को और उसके बाद नेक्स्ट है द मिक्सचर सेल मीट द रिक्वायरमेंट एज़ पर मोट टेबल फाइव 100.11 उसके बाद मिक्स डिजाइन विद प्रोपोर्शन ऑफ ऑल मटेरियल ग्रेडिंग टेस्ट रिपोर्ट सैल बी सबमिटेड टू इंजीनियर एंड ट्रायल पैच सेल बी कंस्ट्रक्टेड बिफोर एक्चुअल कमेंसमेंट ऑफ ब्यूटमिनियस कंक्रीट वर्क और ब्यूटीमिनियस कंक्रीट वर्क करने से पहले एक ट्रायल पैच बनाना रहता है और उस पर ट्राई करके देखना रहता है कि जो अपने को स्पेसिफिकेशन अचीव करना है एक्वायर करना है वो सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट्स ग्रेडिंग सभी इंजीनियर को सबमिट करना रहता है तब जाके काम को अपन स्टार्ट करते हैं उसके बाद इन द केस ऑफ वेरिएशन ऑफ ग्रेडिएशन इन द कोर्स ऑफ वर्कोली uh, so ग्रेडेशन जो, जो अपना रहता है वो अचीव होने में दिक्कत आ रहा है तो वहां पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करने का गुंजाइश रहता है ठीक है उसके बाद अब देखना है कि मशीनरीज क्या क्या लगते हैं ब्यूटीमिनियस कंक्रीट के काम में तो हॉट मिक्स प्लान सूटेबल कैपेसिटी कंप्यूटर कंट्रोल बैच मिक्स टाइप जो भी है इसका सूटेबल कैपेसिटी ये रहता है कि जितने अपने को काम करना है उस रिस्पेक्ट में इसको लगाया जाता है हॉट मिक्स प्लांट उसके बाद इन डंपर्स जो टीपर्स होते हैं हाइबा वो रहना चाहिए अपने पास उसके बाद पेवर फिनिशर पेवर मशीन रहना चाहिए उसके बाद वाइब्रेटरी रोलर ऑफ कैपेसिटी एट्टी टू हंड्रेड किलो न्यूटन इस्तेटिक वेट और न्यूमेटिक टायर रोलर और न्यूमेटिक टायर रोलर रहना चाहिए जो अपना वाइब्रेटरी रोलर ऑफ कैपेसिटी 80 टू किलो न्यूटन स्टैटिक वेट और न्यूमेटिक टायर रोलर ऑफ कैपेसिटी 120 ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी न्यूटन वेट दो टाइप्स के रोलर लगते हैं जो कि स्टैटिक वेट रहता है एक जिसका वाइब्रेटरी रोलर रहना चाहिए और उसमें प्लेन विल्ड रहना चाहिए उसका है ना जिसको अपन बोलते हैं डबल ड्रम भी बोलते हैं उसमें भी वाइब्रेटरी सिस्टम रहना चाहिए और एक न्यूमेटिक टायर रोलर रहना चाहिए न्यूमेटिक टायर रोलर भी रहना चाहिए जिसका कैपेसिटी 120 ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी किलो न्यूटन वेट का रहना चाहिए सर्वे किट चाहिए लेवल वेवल चेक करने के लिए कैम्बर सही है कि नहीं उसके बाद ब्यूटीमिनियस स्प्रेयर चाहिए अपने को ब्यूटीमिन स्प्रे करने के लिए कैम्बर बोर्ड चाहिए कैम्बर चेकिंग करने के लिए एंड थ्री मीटर स्ट्रेट एज जो रहता है वो चाहिए अपने को मैकेनिकल ब्रूमर सफाई करने के लिए जो बीसी सी के से पहले डीबीएम सरफेस को एक बार क्लीन करने के लिए अपने को मैकेनिकल ब्रूमर चाहिए मैकेनिकल ब्रूमर चलने के बाद उसमें एयर कम्प्रेशर के हेल्प से जो भी थोड़ा बहुत डस्ट बच गया है उसको निकालते हैं फिर वाटर टैंकर चाहिए जो अपना वाइब्रेटरी रोलर यूज़ होता है तो उसमें क्या है कि वाटर का स्प्रिंकलिंग होते रहता है ड्रम पे आ, ड्रम पे इसलिए होता है कि जो अपना मटेरियल है बी का वो ड्रम के साथ स्टिक ना हो इसलिए उसमें वाटरिंग करते रहते हैं जिसके कारण से उसमें स्टिक नहीं होता है और एक स्मूथ सर्फेस अपने को मिलता है इसलिए वाटर टैंकर भी ये रोलर में वाटर डालने के लिए उसके बाद इसका मेथोलॉजी पे बात करते हैं द बेस सेल बी थ्रू री स्विफ्ट क्लीन फ्री फ्रॉम डस्ट एंड फॉरन मटेरियल बाई मीन ऑफ बाई मीन ऑफ मकेनिकल ब्रूमर एंड कंप्रेस्ड एयर ये पहले ही बता दिए कि जब भी लेइंग करने से पहले जो सर सर्थ, जिस सरफेस पे लेइंग करना है उसको क्लीन करना है मैकेनिकली ब्रू, मैकेनिकल ब्रूमर और एयर कम्प्रेशर के हेल्प से उसके बाद मार्किंग सेल भी डन बाय एग्जिस्टिंग पेवर सेंसर टू इट्स लाइंस ग्रेड एंड क्रॉस सेक्शन टैक कोड सेल बी अप्लाइड ओवर द प्रिपेयर्ड बेस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मटेरियल टू द रिक्वायर्ड अप्रूव्ड मटेरियल टू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी तो इसमें अपना लाइनिंग रहना चाहिए सेंसर पेपर के uh, जहाँ से चलाना है उसको एडजस्ट करना रहता है है ना उसका ग्रेड्स और क्रोसेक्शन के रिस्पेक्ट में अपन को लाइनिंग करना रहता है उसी के ऊपर अपना जो पेवर है वो चलेगा और अपने को जिस जैसा चाहिए है जिस थिकनेस में जिस वर्थ में चाहिए जितने वर्थ में चाहिए है अपने को बी सी मटेरियल उतने व्रथ में पेविंग करते जाएगा उसके बाद टेक कोट का स्प्रेंग पहले करना रहता है अपने को और जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो मटेरियल अप्रूवड रहना चाहिए और जितने क्वान्टिटी में चाहिए उतनी क्वान्टिटी में अपने को उसमें स्प्रे करना रहता है टेक कोट उसके बाद मिक्स प्रोसीजर फॉर द हॉट मिक्स प्लांट्स एल बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइड बाई मींस ऑफ इन डम्पर और मिक्स प्रोड्यूस्ड मिक्स प्रोड्यूस्ड फ्राम हॉट मिक्स प्लांट मीन्स जो अपने बी सी मटेरियल हॉट मिक्स प्लांट से बन के आता है उसको साइड तक पहुँचाने के लिए इन डम्पर्स यूज़ होते हैं इन डम्पर्स मीन्स जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है हाइड्रोलिक जैक लगा रहता है जिसके हेल्प से वो मटेरियल को हॉपर में जो अपना पेवर का हॉपर होता है उसमें अनलोड करता है जितने क्वांटिटी में अपने चाहिए उतने क्वांटिटी में द लेवल सेल बी चेक बिफोर पेविंग एंड आफ्टर कंपैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द डिजाइन लेवल इफ़ देर इज एनी वेरिएशन इन द लेवल द सेम सेल बी मेड टू गुड उसके बाद द लेवल सेल बी चेक बिफोर पेविंग मीन्स पेविंग करने से पहले लेवल चेक करना रहता है कम्पैक्शन के बाद भी उसमें लेवल चेक करना अगर उसमें कुछ वेरिएशन है तो उसको सही करना रहता है या आगे से जो पेवर चल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी आ रहा है लेवल में तो उसको सही करना रहता है कि आगे भी ये गलती ना हो उसके बाद इनिशियल और ब्रेक डाउन रोलिंग सेल भी कैरिड आउट इमीडिएटली फॉलोइंग क्लोज टू द फ्लोइंग क्लोज टू द पेवर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फ्रॉम लोअर एज टू अपर एज विध 80 टू 100 किलो न्यूटन स्टैटिक वेट ऑफ अ स्मूथ विल्ड रोलर द स्पीड ऑफ द रोलर सेल बी मेंटेन्ड नॉट मोर देन फाइव किलोमीटर पर आवर और इनिशियल एंड ब्रेकडाउन रोलिंग जो रहता है जैसे ही अपने पेविंग हो जाने के बाद उसमें रोलिंग स्टार्ट हो जाता है और रोलिंग ऐसा करना रहता है कि रोलर को अपने को आगे पीछे रखना रहता है थोड़ा डिस्टेंस में और जब भी जो पास को इंड करना रहता है मीन्स जहाँ से अपने को बैक आना है तो वो जो पास है वो एक ही जगह पर नहीं रहना चाहिए वो अगर पहली बार जहाँ पर जाके बंद किए थे मीन्स बैकवर्ड आए थे तो दूसरी बार फिर फॉरवर्ड जाएंगे तो या तो उससे थोड़ा आगे जाके उसको रोकेंगे या उससे पीछे थोड़ा रोकेंगे उसी उसी जगह पे नहीं रोकेंगे क्योंकि एक ही जगह पे ज़्यादा बार जाके रोकेंगे और वहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ होता है तो वहाँ पे एक गड्ढा हम्प टाइप से बन जाएगा सैगिंग टाइप सैग टाइप से बन जाएगा इसलिए उसको अपने को आगे पीछे स्टॉप करना रहता है फिर बैक आना रहता है तो ऐसे रोलिंग चलते रहेगा और रोलिंग के लिए अपने को स्मूथ व्हील्ड रोलर होता है वो एट्टी टू हंड्रेड किलो न्यूट्रन का चाहिए रहता है और उसका स्पीड जो है फाइव किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कम ही मेन्टेन करना रहता है उसके बाद इमीडिएट रोलिंग सेल भी डन विथ एटी टू हंड्रेड किलो न्यूटर स्टेटिक वेट ऑफ वाइब्रेटरी रोलर और विद द न्यूमेटिक टायर रोलर ये हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी किलो न्यूटन वेट हैविंग टायर प्रेशर ऑफ एटलीस्ट जीरो पॉइंट फाइव सिक्स एम पी ए मेगा पासकल ये दो uh, उसके बाद जब अपना रोलिंग हो जाने के बाद स्टैटिक व्हील रोलर के साथ साथ अपने को न्यूमेटिक टायर रोलर को भी यूज़ करना रहता है उसके बाद ट्रैफिक सेल भी अलॉटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनल रोलिंग वेन द मिक्स हैज़ कूल डाउन टू द सराउंडिंग टेम्परेचर और जो ट्रैफिक है उसमें छोड़ने का ये रहता है कि जब उसका जो बी सी मटेरियल है उसका टेम्परेचर जो है एटमोस्फेयरिक टेम्परेचर से भी डाउन हो जाएगा तभी जाके उस पर अपन ट्रैफिक को छोड़ सकते हैं ठीक है उसके बाद लेइंग ट्रायल टेस्ट सेक्शन सेल बी कैरीड आउट ऑन अ सूटेबल एरिया एज अप्रूव बाय द इंजीनियर फॉर कन्फर्मिंग परफॉर्मेंस ऑफ द मिक्स डिजाइन एंड डेंसिटी द एरिया ऑफ द लेइंग ट्रायल सेल बी Uh, a minimum of 100 square meter and as per directed of the engineer इसमें क्या रहता है कि लेइंग करने से पहले अपने को एक ट्रायल सेक्शन बनाना रहता है और वो ट्रायल सेक्शन 100 स्क्वायर मीटर का कम से कम रहना चाहिए और उसमें अपन चेक करते हैं जो अपना मिक्स बन रहा है उसका परफॉर्मेंस उसका मिक्स डिज़ाइन का जो डेंसिटी क्या आ रहा है वो सारी चीज़ चेक किया जाता है पहले ताकि वही आगे इस चीज़ में दिक्कत ना आए कोई इसलिए कन्फर्म करने के लिए अपन को एक ट्रायल पैच बनाना रहता है उसके बाद अगर क्वालिटी कंट्रोल का बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर दॉ वॉक शैल बी एज पर नाइन ऑफ मोर्थ ठीक है उसके बाद ग्रेडी द ग्रेडिंग ऑफ द मिक्स सेल बी कंट्रोल्ड एट द एट प्लांट एज पर अप्रूव डिजाइन मिक्स जो भी डिजाइन मिक्स में है उसी रिस्पेक्ट में प्लांट में मिक्सिंग होना चाहिए वहाँ से कंट्रोल रहना चाहिए ठीक है उसके बाद मिक्स टेम्परेचर सेल भी कंट्रोल्ड एट प्लांट विद इन द रेंज ऑफ हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर लेस देन हंड्रेड फोर्टी डिग्री सेल्सियस सेल नॉट बी यूज फॉर पेविंग और जो भी टेम्परेचर उसमें अपने को हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना रहता है टेम्परेचर मिक्स का और 140 फोर्टी डिग्री सेल्सियस अगर कम है तो उसको मिक्स उस मिक्स को पेविंग नहीं किया जाता है उसके बाद द कंपैक्टेड सरफेस सेल बी चेकड फॉर फील्ड डेंसिटी बाई टेकिंग क्रॉ कोश कोर्स एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन टेस्ट ऑफ सेवन हंड्रेड स्क्वायर मीटर और जब कंपैक्शन हो जाने के बाद फील्ड डेंसिटी चेक करने के लिए कोर कट का इस्तेमाल किया जाता है और कोर्स निकाले जाते हैं और यह टेस्ट जो है पर सेवन हंड्रेड स्क्वायर मीटर के लिए एक टेस्ट किया जाता है उसके बाद द डिग्री ऑफ कंपैक्शन सेल भी सेल अ मिनिमम फील्ड डेंसिटी इक्वल टू और मोर देन नाइन्टी टू परसेंट ऑफ द एवरेज थ्योरेटिकल मिक्स स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑब ऑन द डे ऑफ कंपैक्शन इन अकॉर्डेंस विद एस टी एम डी टू थाउजेंड फोर्टी वन नाइन्टी टू परसेंट रहना चाहिए कंपैक्शन किसके रिस्पेक्ट में एवरेज थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ठीक है उसके बाद द सरफेस सेल बी चेक फॉर लेवल एट फाइव मीटर इंटरवल लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली एट द सेम सेल भी विद इन प्लस माइनस सिक्स एम एम और इसमें जो है इसका लेवल चेक किया जाता है एवरी फाइव मीटर के इंटरवल में और लॉन्गी विथ के रिस्पेक्ट में भी और लेंथ के रिस्पेक्ट में भी इसका लेवल चेक किया जाता है और इसमें टॉलरेंस प्लस माइनस सिक्स एम एम का रहता है मीन जो लेवल डिजाइन करना है उससे सिक्स एम एम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिक्स एम एम से कम नहीं रहना चाहिए उसके बाद द थिकनेस ऑफ द कंपैक्ट द थिकनेस ऑफ दैल लेयर ऑफ बी सी सेल बी चेकड फ्राम कोश एंड लेबल्स कोर्स और लेबल्स के हेल्प से इसका थिकनेस चेक किया जाता है उसके बाद द रिक्वायरमेंट फॉर बी सी मटेरियल एंड लेड ई सेल बी कन्फर्म बाई लेट्री एंड फिल्ड टेस्ट एज पर क्रॉस फाइव हंड्रेड नाइन पॉइंट थ्री पॉइंट और जो बी सी मटेरियल का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको चेक किया जाता है लेबोरेटरी और फील्ड टेस्ट के रिस्पेक्ट में जो कि क्लॉज में दिया गया है फाइव में तो वहाँ से अपने को देखना रहता है कि जो अपन जिस रिस्पेक्ट में डिज़ाइन करना था उसी रिस्पेक्ट में डिज़ाइन हो रहा है कि नहीं इसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट और फिल्ड टेस्ट दोनों करना रहता है तो ये सारे चीज़ें थे बी सी ब्यूटमिनियस कंक्रीट के ऊपर तो होप कि आपको ब्यूटमिनियस कंक्रीट जो कैसे बनता है उसमें मटेरियल उसका क्या क्या क्राइटेरिया है वो सारे क्लियर हो गए होंगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले थैंक यू वेरी मच